हूँ कि आप परी दीदी के लिए सही इंसान नहीं ठहरे। आपकी शादी, आपकी सगाई परी दीदी से नहीं होनी चाहिए। तेरे से ज्यादा समझ तो मेरी परी में है कि किसी की शादी की बनती हुई बात को तोड़ना नहीं चाहिए। चुप। हमें अपने भाग से मधुर जी जैसा लड़का मिला है। परी के बारे में सारे गुण दोष जानते हुए भी उसको अपनाने के लिए तैयार है। इसीलिए मधुर जी की जगह मेरे मन में भगवान की जगह है। नहीं जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तब से एक बात कह रही हूँ ताई जी, मैं परी दीदी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती, इसीलिए तो ये कह रही हूँ। परी दीदी बहुत अच्छी है ताई जी, और ये बिल्कुल अच्छे नहीं है ताई जी। मैंने अपने कानों से सुना है, इनके मन में ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। राजू जी, आप सबको बता दीजिए ना कि ऐसा कौन सा षड्यंत्र चल रहा है मेरे मन में। बताऊंगी, सबको बताऊंगी मैं मधुर जी, कि आप उस दिन फोन पे किससे बात कर रहे थे। ताजी, उस दिन फोन पे ना ये अपनी पत्नी से बात कर रहे ठहर रही है। उनसे कह रहे थे कि जब तक वो इनकी जिंदगी में है ना, कि हमारी परी दीदी के साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। परी दीदी को पागल, कमकल, क्या क्या नहीं कह रहे थे उस दिन, ये कह रहे थे कि नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। नील, I'm really sorry for my words, लेकिन तुम्हारी ये स्पेशल फ्रेंड की दिमागी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। इन्हें तो मदद की जरूरत है, इन्हें इलाज की जरूरत है। मधुर जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपका जो मन कर रहा है काजू को कहोगे और मैं सुनता रहूंगा। नील, मम्मी एक सेकंड प्लीज, आप प्लीज अपनी ना लिमिट में रहिए। नील, आई कैन अंडरस्टैंड, पर जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ ना। क्या सच लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ ऐसे खड़ा रहूंगा और काजू मेरे मुंह पर ऐसे इल्जाम लगाती रहेगी और मैं कुछ बोलूंगा नहीं? आंटी जी, आप कह रही थी अभी कि आप परी की शादी को लेकर चिंतित थी, फिर भी मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर परी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपको मैंने अंकल जी उस दिन बोला था कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परी चाहिए, दहेज में मेरा कोई विश्वास नहीं है, फिर भी मेरा ऐसा क्या मकसद होगा कि मैं परी से शादी करना चाहूंगा? प्यार, इस दुनिया में प्यार नाम की चीज भी तो है। मुझे परी डे वन से पसंद है और अब मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। अब अगर आप अभी भी मुझ पर डाउट करेंगे तो आंटी जी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो इस रिश्ते में आएगी ना। ये कोरा झूठ बोल रहे हैं ताई जी, ताई जी, अब तो ठीक है, सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बस 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 बस। देखिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आपको इनकी बात सुननी है या मेरी बात सुननी है, ये फैसला आपका है, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना, ये फैसला मेरा है। मुझे माफ कीजिए, मैं चलता हूँ, नमस्ते। वो तो हमारे घर की नौकरानी है, मैंने आपको बताया नहीं था, उसकी क्या बात का विश्वास करना। आप तो अंदर चलो जी, पर जाइए, बोलो अंदर चलो। मैं अभी आपके सामने उससे माफी मंगवाता हूँ, तब तो आपको तसल्ली हो जाएगी ना, तब तो आप हमारी बात मान जाएंगे ना। दिमाग खराब हो गया तेरा, हाँ पागल हो गया तू? अरे तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि हम घर वालों के सामने इस घर के होने वाले दामाद को उल्टा सीधा बोल रही है कोई सबूत तेरे पास उसके खिलाफ? हाँ, है कोई सबूत तो अभी यहीं दिखा सबके सामने, और अगर नहीं ना तो पैरों पे गिर के माफी मांग उससे। सबूत होता अंकल जी, तुम्हें मैं सबसे पहले लाके आप सबके सामने रख देती ना अंकल जी, पर सबूत से बड़ा सच होता है अंकल जी, और सच यही ठहरा कि वो इंसान परी दीदी के लिए ठीक नहीं है अंकल जी। जी, महादेव की कसम खा के कह रही हूँ मैं। काजू, जब सारा परिवार तेरे खिलाफ था तब मैंने तेरा साथ दिया, तू तो पहले दिन से सोनिया की आंखों में खटकती थी, क्योंकि तू नील की मेहमान थी, इसलिए मैंने तुझे अपने दिल में जगह दी,
अपने घर में जगह दी, अपनी परी के कमरे में तेनू रहने दी। मैंने तेनु पता है पहाड़ों में तेरी मम्मी जी और तेरे बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते, मैंने सब पता है। लेकिन मैंने कभी कभी उन बातों को अपने मन में आने भी नहीं दिया। हमेशा तेरा साथ दिया मैंने, क्योंकि तूने मेरी परी का साथ दिया। और आज तूने ये कि जिस थाली में तूने खाया उसी में तूने छेद कर दिया। आज मेरी अपनी बहू ने, मेरी भूमि ने तेरे बारे में मैंने क्या क्या नहीं कहा, सब अनसुना कर दिया मैंने। अगर मेरी परी की शादी में तूने एक भी अड़चन की है, मैंने बर्दाश्त नहीं करना है। तू भी अच्छी तरह सुन ले पुत्र, मैं अकेली और मेरा पूरा परिवार पूरी तरह काबिल है हमारी परी का ब्याह करने के लिए। उसके लिए मैंने तेरी कोई जरूरत नहीं, समझ गई? भाई साहब, भाई जी आप काजू को बहुत गलत समझ रहे हो। बहुत हो गया नीला, बहुत हो गया। मैं ना आपकी परी तेरे लिए बहुत खास है, लेकिन हम भी तो उसके माँ बाप हैं, हैं? हम अपनी बेटी की जिंदगी का गलत फैसला करेंगे क्या? तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ते हैं मेरी परी की शादी के बीच में ना आना। नील तुम पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, इसका एडवांटेज उठाकर मधुर के खिलाफ सबको मत भड़काओ। अब जाओ यहां से। और सुनो, खबरदार जो परी दी के कमरे की तरफ तुम गई, तुम आज से स्टोर रूम में रहोगी। भाभी स्टोर रूम में कैसे रहेगी? तुम्हें भी जाना है इसके पीछे पीछे? स्टे आउट ऑफ इट। बस करो यार, बस करो। नुतन, नुतन, मधु जी। अब भीड़ की तरह क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ। मधु जी, यार जो कुछ भी हुआ है, मैं पूरे परिवार की तरफ से हाथ छोड़ के माफी मांगता हूँ। देखो क्या है जी कि बच्चे हैं, तो बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। आप जब भी कहें हम मंगनी के लिए तैयार हैं जी। पुत्र, मंगनी तो क्या, जैसा आप लोग कहोगे उसके हिसाब से ही हम शादी का दिन भी तय कर देंगे बेटा। हाँ प्लीज, ये हाथ जोड़ना बंद कीजिए ना प्लीज। आप लोग बहुत बड़े हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। मैं मम्मी से बात करता हूँ, हम कल ही सगाई कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, परी और मेरी शादी के बीच में ये लड़की अब दोबारा नहीं आनी चाहिए। देखिए इतना खुशी का मौका है, मैं नहीं चाहता कि किसी की बुरी नजर लगे। बेटा जी आपने बोला समझ लो, हो गया। मैं गारंटी देता हूँ आपको, मंगनी से लेकर शादी तक ना वो काजू आपको कहीं नजर नहीं आएगी। इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ। अच्छा ये मैं परी के लिए गिफ्ट लाया था, तो प्लीज उसे दे देना, अच्छा लगेगा। जरूर बेटा, जरूर। काजू, आराम से। नील जी आप यहाँ पे क्यों आ गए? नील जी आप प्लीज जाइए यहाँ पे आपका ना ठीक है। नील जी आप प्लीज जाइए यहाँ से। I'm really sorry काजू, मत बताइए। जितनी भी चीजें हो रही है ना, तो सब मेरी वजह से हो रही है। ये सब कुछ जो हुआ है ना नील जी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जाइए यहाँ से, मेरी एक बात मान लीजिए, बस अब जाइए प्लीज। मेरी काजू प्लीज, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे अपने परिवार को भरोसा दिला ले। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको कैसे बताऊं कि जो कुछ भी तुम कह रही हो, जो कुछ भी सोच रही हो, उसके पीछे जो इंटेंशन है तुम्हारा एकदम करेक्ट है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे।
शादी के इस चकाचौंध में सच का सादापन कोई देखना नहीं चाहते। मतलब मेरे लिए इतना काफी है कि आपको मुझ पे भरोसा ठहरा। मेरे भरोसा करने से क्या होता है? भरोसा तो मुझे अपनी फैमिली को जताना है ना, मुझे अपनी फैमिली को बताना है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी फैमिली को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये जो मधुर है, ये जो लड़का इतना शरीफ बन रहा है, इतना समझदार बनने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं है। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये बंदा ना एक नंबर का फ्रॉड है। तुम सही कहती हो, पर परिवार वाले तो मुझे ही गलत मान रहे हैं ना। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी में आई क्यों? आपको इतना परेशान, मैंने परेशानी के अलावा आपको दिया क्या है अनिल जी? और आज मेरी वजह से आपके और पवित्रा मैम के बीच में भी। पवित्रा की टेंशन मत, पवित्रा ने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा था, नहीं सही था वो, लेकिन पता क्या, पवित्रा बुरी लड़की नहीं है। आज पवित्रा के साथ मैं हम दोनों की बात कर रहा था और बाई चांस मेरे मुंह से एक बात निकल गई कि एक धागा है जो हम दोनों को जोड़े रखा है। मेरे बहुत दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन तुम खास हो, तुम स्पेशल हो। जितने बाकी दोस्त हैं मेरे, उन सबसे तुम अलग हो। और ये बात मुझे समझ भी नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं खुद को भी समझाना चाहता हूं लेकिन नहीं समझा पा रहा हूं। कोई तो कनेक्शन है ऐसा। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जी। जो मुझे कह रहा है कि मैं तुम पर 100% बिलीव कर सकता हूं, तो मुझे एक चीज पता, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा कनेक्शन फील करते हो काजल? काजू भाई जी, मिल जाओ, अब चुप है, इधर 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 काजू। जी ताई जी, मैंने तेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया, तुझे बुरा भला कहा, लेकिन अब मैं ही तुझसे कह रही हूँ कि उन सारी गल्ला नूं तू अपने दिल पे मत लगाना। तू कहती है तू परी नाल बहुत प्यार करती है। जी ताई जी, परी मेरी जान है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूं। कल मेरी परी की सगाई है, अगर तू परी से उतना प्यार करती है जितना तू कहती है, तो तू मेरे नाल वादा कर कि परी की खुशी की खातिर कल तू उसकी सगाई में झांकेगी भी नहीं। वादा कर मेरे नाल काजू। सगाई खराब हो जाएगी तो मैं आपसे वादा करती हूं, मैं नहीं आऊंगी। काजल इट्स ओके, इधर देखो क्या हुआ, बोलो काजल क्या हुआ? जी आई और मैंने आपको छुपा दिया। नहीं, ये सब ठीक नहीं है नील जी। क्या ठीक नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है मैं कोई गलती कर रही हूं, कोई चोरी कर रही हूं नील जी। तुम कुछ नहीं, आपके क्या? घर वाले नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे अकेले में मिलें, ऐसे ऐसे बातें करें, तो हम नहीं करते। अरे काजल, काजल लग जाएगी यार, काजल नील जी अब चाहिए। और यही बात मधुर की ना, तो सही तो कह रहे हैं आपके परिवार वाले, कहाँ है मेरे पास सबूत? कोई सबूत नहीं है मेरे पास नील जी, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं वो लोग, कहाँ से लाऊं मैं सबूत इस समय ना नील जी? मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं यहाँ पे आपके साथ क्यों हूँ। तुम ओवरथिंक कर रही हो, एक बार ताई जी ने कह दिया और तुम सहम गए। मेरा परिवार तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हूं ना। चलो चलो
नील जी, अब ना आप कुछ कहेंगे ना आप कुछ करेंगे। आपका परिवार नहीं चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे से बात करें, और हम वही करेंगे। बहुत परेशानियां दे चुकी हूं मैं सबको, मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है। देखा है ना आपने क्या क्या हुआ था, अभी देखा है ना आपने। मैं और कुछ नहीं चाहती, परी दीदी की सगाई है, आप उस पर ध्यान दीजिए और जाइए यहाँ से। इसका क्या? जाइए यहाँ से। क्या चाहती हो? अपनी परी दीदी की शादी उस मधुर के साथ कर दो, कर दो सगाई उनसे, यही चाहती हो ना? तो ठीक है, लेट्स डू इट। जो होता है हो जाए, तुम रहो इस अपने स्टोर रूम पे। मैं मजबूर हूँ नील जी, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपकी मम्मी जी ने, ताई जी ने, सबने यहाँ पे इस कमरे में रहने को कहा है मुझे। वादा किया है मुझसे कि मैं बाहर उनकी सगाई पे ना हूँ। तोड़ दो वादा, चली जाऊँ सबके खिलाफ। कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ? मेरी बात तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि सबूत तो कोई है नहीं मेरे पास, और सबूत कहाँ से लाऊँ मैं? सबूत सिर्फ तुम्हें ही अकेले ढूंढने का, हम दोनों को मिलकर ढूंढ रहे। मैंने कहा है ना तुम्हें, हर मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो दूंगा। नील जी, आपको तो मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, मेरा मेरा दिमाग ना जाम हो गया। आप जाइए यहाँ से। मुझे सिर्फ एक बात पता है कि आपके घर वालों ने हमें मना किया है बात करने से, और मैं अब आपको भी और किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। पिछले कुछ घंटों में जितना कुछ हुआ है ना नील जी, वो काफी है मेरे लिए। आपने खुद देखा है ना, इतना चिल्ला के बातें करें किसी एक इंसान ने भी सुन ली ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप जाइए यहाँ से। काजल, एक सेकंड, मेरा घर है ना, मैं चला जाऊंगा। खाना खाया तुमने? नहीं खाया ना, कैसे खाओगी? किसी ने दिया तुम्हें? ठंड लग रही होगी तो क्या करोगी, क्या ओढ़ोगी अपने ऊपर? एक सेकंड नील जी, पहाड़ों में ना हम इससे भी गंदी परिस्थितियों में रहते थे, पर रह लेते थे ना, जी लेते थे ना। इस समय जरूरी ये नहीं है कि मैं कैसे सोऊंगी, कैसे खाऊंगी, क्या खाऊंगी, कुछ जरूरी नहीं है। पर ही दीदी की शादी ना उस मधुर से होने वाली है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज जाइए और जाके कुछ सोचिए, जाइए नील जी, प्लीज जाइए। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, जा रहा। जाइए नील जी। क्या हो रहा है ये महादेव, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या क्या कर रही हूं मैं? उस इंसान से ऐसे बात कर रही हूं जो सबसे ज्यादा फिक्र करता है मेरी। सब कुछ पता होने के बावजूद मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूं। मैं क्या बनती जा रही हूं महादेव? क्यों हूँ यहाँ पे, क्या कर रही हूँ? ये सारे सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है महादेव, क्या करूँ यहाँ? अरे मम्मी जी, इतनी लेट नाइट आप ये खाना किसके लिए लेकर जा रही है? बेटा, वो नील ने सुबह से कुछ खाया नहीं होना है, तो मैंने सोचा उसे खिला देती हूँ। और फिर काजू भी बेचारी ऐसे ही भूखी प्यासी पड़ी होगी, तो वो क्या है ना कि घर में सब लोग जब तक खाना ना खा लेना, मैनू नींद नहीं आती। ओ, उन लोगों ने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं नहीं मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा थोड़ी लगता है, पूरी फैमिली का डिनर हो गया है, ये दोनों अभी भूखे बैठे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप जाइए। आप नील के कमरे में जा रहे हैं ना अभी? हाँ। तब तक मैं काजू को खाना दे देती हूँ। हाँ। आप दीजिए ना मम्मी जी, मैं देकर आती हूँ। हाँ, हाँ। तो ऐसा कर, काजू है ना बेचारी, उसके लिए तकिया और चद्दर भी ले जाना, वो ऐसे ही फर्श पे पड़ी हुई होगी, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल मम्मी जी। इतने दिनों से इस घर पर राज करने के बाद अब जाकर इस गवार को अपनी सही जगह मिली। देखो जरा फर्श पर कितने सुकून से सो रही है। हमारे खाने का भी एक स्टैंडर्ड है ना काजू,
तुम्हारे पेट में जाने से अच्छा है इसको मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। चलो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।